संक्रमण काल के चलते इंदौर के पुलिस विभाग में जन सुनवाई बंद कर दी गई थी, लेकिन 10 माह बाद जन सुनवाई शुरू की गई है। आज संक्रमण काल के बाद जन सुनवाई में अपनी समस्याओं को लेकर कम ही लोग पहुंचे। अपनी समस्याओं को लेकर लोग जन सुनवाई में पहुंचते हैं, लेकिन पिछले 10 माह से कोरोना संक्रमण काल के चलते जन सुनवाई पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब इंदौर के रीगल तिराहे स्थित पुलिस कंट्रोल रूम पर लोग अपने विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंचे। आज जन सुनवाई में कुल 23 मामले आए, जिनका समाधान ऑन द स्पॉट किया गया। आज की जन सुनवाई में ज्यादातर मामले घरेलू हिंसा और परिवार विवाद के सामने आए। जी, लंबे समय से जन सुनवाई, चूँकि कोरोना की को मद्देनज़र रखते हुए अभी जन सुनवाई नहीं की जा रही थी, और अलग अलग हम लोग अपने कमरों में सुनवाई करते थे, और आज जो जैसी संयुक्त जन सुनवाई पूर्व में की जाती थी उसी तरह से आरंभ की गई है, तो जिसमें क्राइम ब्रांच और हेडक्वार्टर, महिला अपराध, जन सुनवाई के सभी जो पहलू होते थे वो सभी लोग साथ में बैठे थे। इसमें जो आम शिकायत रहती है, घरेलू हिंसा वाली शिकायतें, महिलाओं के परिवार संबंधी समस्या या मिसिंग पर्सन वाले मामले, उस तरह के देखने में आए हैं। और कुछ ऐसे प्रकरण थे जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वाले होते हैं, जिसमें कि कोर्ट में जाने की समझाइश दी जाती है, तो इस तरह के पहलू आज देखने में आए हैं। मामलों की संख्या मुझे देखनी पड़ेगी, अलग अलग लोगों ने सुना है ना, एक्चुअली है ना, कुछ गुरु ने सुना, कुछ मैंने, मैं संख्या एक मिनट चेक कर लेती हूँ।